मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक रीटर का कार्ड है, अपना C70 कार्ड है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और वो मुझे फेसबुक में पर्सनली एक व्यूअर ने पूछा था कि C70 कार्ड के बारे में बताइए रीटर का, और वो मैं आज टाइम निकाल के इसको बताने जा रहा हूँ। और ये जो कार्ड है, देखिए ये डायग्राम है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ये देखो, जैसे कि मटेरियल इधर से आया और यहाँ ओपनिंग रोलर है, जो बड़ा बड़ा टॉप साइज होता है इसको खुल के छोटा छोटा कर देगा। और इसमें चेंबर का ओपनिंग रोल के अंदर से चेंबर रहता है, चेंबर में इधर आके फीड प्लॉट के ऊपर जाके ये फीड रोल है, ये सब नंबरिंग किया हुआ। एक नंबर है ओपनिंग रोलर है, दो नंबर हो गया फीड प्लेट है, इसका ऊपर मटेरियल आएगा। उसके बाद देखो फीड रोल है, फीड रोल तीन नंबर है, इसका अंदर से मटेरियल आया। और ये लिक्रिन देखो, ये सिलेंडर के जस्ट नीचे रहता है, लेकिन अपना जो कन्वेंशनल कार्ड है आप देखना, लिक्रिन उसका आगे रहता है, इधर ही रहेगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल नीचे रखा हुआ, मतलब एरिया कम करने के लिए बिल्कुल कार्ड को कंपैक्ट किया हुआ, कम एरिया में कैसे आ जाए। और उसके बाद देखो, ये सब का डायरेक्शन मैंने दे रखा, लिक्रिन ऐसे घूमेगा, सिलेंडर ऐसे घूमेगा, उसी डायरेक्शन में ये फ्लैट घूमेगा, हाँ, उसके बाद डफर ऐसे घूमेगा, सब का डायरेक्शन मैंने दे रखा। और वो लिक्रिन के बाद देखो, इधर से मटेरियल ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे जाके सिलेंडर के अंदर होके, मतलब एक साइड से होके फ्लैट की और उस सिलेंडर के बीच में होके ऐसे आके, फिर ये डफर है, डफर के नीचे होके ऐसे स्ट्रिपिंग रोल है, फिर ये अपना स्क्रश रोल है, ये टेबल कैलेंडर रोल है, ये है कॉयलर कैलेंडर रोल, ये कैन है, और 15 नंबर जो लिखा है ये मटेरियल का पहचान है। ये 15 नंबर जहाँ जहाँ लिखा मटेरियल का रास्ता, उसी रास्ता होके जाएगा। और ये जो कार्ड है इसमें स्पेशल कुछ है, आपको अभी बताऊंगा, एडवांटेजेस के बताएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। और इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जो कार्डिंग का है, ऑब्जेक्टिंग सब कार्ड का एक जैसा रहता है ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला देखो, टू इंडिविजुअलाइज फाइबर्स, सेकंड में टू पैरेललाइजेशन ऑफ फाइबर्स, फाइबर को स्लाइबर एक्सिस में पूरा सीधा सीधा करना है, इंडिविजुअलाइज मतलब अलग अलग करना है इसको, प्रिवेंट हुक फॉर्मेशंस। आपको मालूम होगा कार्डिंग में जैसे अपना फाइबर मतलब कार्डिंग में प्रोसेस होता है, उसमें जो पीछे का मटेरियल में ब्लोर में हुक वगैरह फॉर्मेशन होता है, या जो फ्लैट और सिलेंडर के बीच में पास होता है वो हुक खुल जाता है, ऐसे ही हुक रहता है। देखो जैसे ऐसे मुड़ गया, जब यहाँ से जब खींच के लेगा तो ये हुक अगला स्टेप पे ऐसे ही सीधा हो जाएगा, ये जो एरिया है ना हुक, ये सीधा हो जाएगा, तो हुक फॉर्मेशन में मतलब कम कर देता है। और रिमूवल ऑफ नेब्स फ्रॉम आउटपुट मटेरियल, मतलब स्लाइबर का अंदर जो नेब्स रहता है, जो एंटेंगलमेंट रहता है फाइबर, जैसे अपना आलपिन जैसा जो टच पिन रहता है ना लोहे का, ऊपर थोड़ा मुड़ जाता है सीधा रहता है पिन जैसा, ऐसे आलपिन जैसा साइज रहता है, और नेब्स का भी रिमूवल करता है। और रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर्स, ये जो फ्लैट के माध्यम से जो शॉर्ट फाइबर होता है, शॉर्ट फाइबर मतलब आप मेरा फाइबर प्रॉपर्टीज का या ऑफिस का SBI का इस पर पढ़ना, शॉर्ट फाइबर क्या चीज़ आपको मालूम पड़ेगा, उसमें क्लियर लिखा हुआ आधा इंच से नीचे वाला जितना फाइबर शॉर्ट फाइबर में गिना जाता है, तो शॉर्ट फाइबर भी रिमूव करेगा इधर फ्लैट और सिलेंडर के बीच में कार्डिंग एक्शन होके। और उसके बाद देखो, रिमूवल ऑफ मैक्सिमम लेवल ऑफ ट्रेसेस, जो अपना कटन में ट्रेस रहता है, जैसे किसी कटन में 3% रहा, किसी में 5, किसी में 7, उसका मतलब ट्रेस का परसेंटेज लेके अपना ये जो 2 पॉइंट लिखा देखो, इधर देखो 5 नंबर लिखा और इधर 6 नंबर, एक यह पॉइंट है, हाँ
यहाँ पे क्या अपना जो ट्रास होता है, जो सीडकट होता है, सीड का टुकड़ा होता है, जितना भी इम्प्यूरिटीज है यहाँ पे वो नीचे गिरा देता है, लिक्रिन का नीचे, सिलेंडर का नीचे सब गिर जाता है, तो ट्रास बिल्कुल कम कर देगा। कम कर देगा मतलब कार्डिंग में जो ट्रास रहता है, मतलब पीछे छूट फीट में, छूट में जो मटेरियल रहता है उसका जो ट्रास है लगभग 95% से 97% तक ख़त्म कर देता है। स्लाइवर का अंदर ट्रास बिल्कुल कम कर देता है। प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म रैपिंग थ्रू आउट लेंथ। ये जो स्लाइवर निकलेगा डिब्बे के अंदर, कैन के अंदर डालते हैं, स्लाइवर बिल्कुल मोटा पतला नहीं रहेगा, ऑटो लेवल्ड होके उसका लीनियर डेंसिटी जो होता है ये मतलब आइडेंटिकल रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म रहेगा। उसके बाद देखो, प्रोवाइड स्लाइवर इन ए कैन फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। फिर कैन के अंदर कॉइलिंग होके सिस्टमेटिक उसमें कैन के अंदर मटेरियल भर के अगला प्रोसेस में देगा। ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्डिंग मशीन। ये लगभग सारे कार्ड का एक जैसा रहता है, कोई अंतर नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपना C70 कार्ड जो बोल रहे हैं उसके बाद में अपना C80 कार्ड भी आ गया, लेकिन अपना C70 का बारे में ही बता रहे हैं, उसके बाद में जो आया कभी जरूरत पड़ेगा वो भी समझाएंगे। C70 कार्ड में देखिए इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है, मतलब इसमें अपन को फायदा क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला देखो, पावर रेगुलेटेड यूनिफॉर्म फीड। ये जो मटेरियल जो फीडिंग होता है इतना यूनिफॉर्म रहता है, आप 900 ग्राम्स पर मीटर तक भी चला सकते हो, मतलब 400-500 से लेकर 900 ग्राम पर मीटर भी चला सकते हो। और इसका ओपनिंग रोलर से यहाँ जब आएगा, यहाँ जो प्रेशर स्विच रहता है प्रेशर के थ्रू सेट होता है, कैसे फीडिंग करना क्या करना है उसी से पूरा यूनिफॉर्म फीड हो के जाता है। इसमें बहुत फायदा वही है। उसके बाद देखो, पावर सेविंग अप टू 42%। अपना कन्वेंशनल कार्ड जो था उससे 42% पावर कम खर्चा होता है। और उसके बाद में जो एरोफीड कार्ड आया था, जैसे दूसरा कार्ड आया था बीच में, इसका पीछे वाला मॉडल है, उसमें अपना 20% तक पावर सेविंग है। तो कुल मिला के पावर सेविंग इसमें है तो पूरा। उसके बाद पावर सेविंग इसीलिए हो जाता है, ये हाई प्रोडक्शन कार्ड है तो उसके चक्कर में पावर सेविंग भी हो जाता है। हायर प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन पर आवर आई अप टू 100 केजी पर आवर। वैसे तो इसने रिटर कंपनी ने 120 केजी पर आवर का भी मतलब रिकमेंड किया हुआ, और आप जनरली 90 से 100 तक भी आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चलाने का जरूरत नहीं, 90 से 100 तो रेगुलर चल जाता है। और इसमें देखो 1.5 मीटर्स वर्किंग विड्थ इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। जैसे अपना पहले ज़माने में जो कार्ड आता था 1 मीटर का विड्थ रहता था, वो उसके बाद ये C70 जो कार्ड आया इसमें 1.5 मीटर का विड्थ कर दिया, मतलब वर्किंग एरिया जो होता है 1.5 गुना बढ़ा दिया। 1.5 गुना बढ़ा देने से क्या फ़ायदा आपको देखो, जैसे आपकी रैपिंग अपना समझ लो 64 काउंट में आप 160-170 रखोगे, इसमें आपने 0.160 की जगह 0.100 रख सकते हो, मतलब उसका मतलब भारी, इतना भारी रख सकते हो जो कि मैनेज हो जाएगा। ये जो 1.5 मीटर का वर्किंग विड्थ के बारे में मैंने एक LC636 का कार्ड का बताया था, वो भी LMW का, वही 1.5 मीटर का विड्थ का रहता था। और इस पर देखिए, सिलेंडर और फ्लड स्पीड कैन बी सेट बाय डिस्प्ले। ये सबसे प्लस पॉइंट है। जैसे पहले ज़माने में अपन कोई मशीन में माल चेंज करते थे ना, सिलेंडर का स्पीड चेंज करना है, फ्लड का स्पीड चेंज करना है, सिलेंडर का मतलब मोटर पुली चेंज करो, फ्लड पुली चेंज करो, इसमें ये सब तमाशा नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा डिस्प्ले में जाइए, सिलेंडर का स्पीड जो भरना भरिए, उसी हिसाब से वो डिस्प्ले में सेट हो जाएगा, फ्लड स्पीड भी डिस्प्ले में सेट हो जाएगा। और सिलेंडर स्पीड के बारे में आपको बता दूँ, इसमें 600 से 900 RPM तक ले सकते हो सिलेंडर स्पीड। बाकी कार्ड में आप 500, 550, 450 ऐसे चलाते हो, लेकिन इसका डिजाइन इतना बढ़िया है, आप 600 से 900 तक सिलेंडर स्पीड ले सकते हो। तो जनरली 600-700 से कम तो कोई चलाता नहीं इसमें।
उसके बाद देखो फ्लैट स्पीड, वो डिपेंड करते हैं आपकी किस टाइप का मटेरियल है, शर्ट फाइबर कितना है। अगर शर्ट फाइबर ज़्यादा है फ्लैट स्पीड बढ़ा के रखो, और शर्ट फाइबर कम है तो फ्लैट स्पीड कम रखो। उसके बाद देखो बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑटो लेवलर प्रोवाइडेड। ये जो है ना कार्डिंग का ऑटो लेवलर के बारे में मैंने एक टॉपिक अपलोड किया था, आप इसको देखिएगा ऑटो लेवलर का फंक्शन कैसे करता है। तो इसमें अपन बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ऑटो लेवलर का फंक्शन इसमें दिया हुआ। तो इसमें दोनों देने से क्या होता है, तो आपकी एक मीटर भी स्लाइबर बिना लेबल्ड में जाएगा नहीं, पूरा बढ़िया यूनिफॉर्म स्लाइबर कंटिन्यूसली जाएगा। और उसके बाद देखो IGS इंटीग्रेटेड ग्राइंडिंग सिस्टम विदाउट प्रोडक्शन लॉस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो इसमें सिलेंडर का वायर, फ्लैट का वायर, IGS सिस्टम दिया हुआ, इंटीग्रेटेड ग्राइंडिंग सिस्टम। वो जैसे भी आपने डिस्प्ले में टाइम डाल दिया कि 400 टन के बाद अपना ग्राइंडिंग होना चाहिए, तो उसी हिसाब से वो जैसे ही उसका टाइम आ जाएगा वो अपना आप क्या करेगा, फीडिंग बंद कर देगा, वो सिलेंडर फ्लैट ऐसे ही चलेगा और अपना आप वो फटाफट ग्राइंडिंग कर देगा, मतलब बिना प्रोडक्शन लॉस से वो ग्राइंडिंग कर देगा। और बाकी टाइम में क्या होता है, ग्राइंडिंग करने के लिए वो ग्राइंडर लगाओ, ये करो वो करो, मतलब बहुत तामझाम करना पड़ता था। इसमें ऐसा नहीं, सब ऑटोमेटिक है। और IGS में जो ग्राइंडिंग होता है मैनुअल ग्राइंडिंग से बहुत फर्क है। इसमें कार्ड का लाइफ और 20% टाइम बढ़ जाता है, मतलब समझ लो कार्डिंग का सिलेंडर वायर का आप 1000 kg का, 1000 टन का अपने 1000 टन का टारगेट रखे हो, इसमें आपको 1200 टन तक भी खींच के दे देगा, क्योंकि ये IGS इतना बढ़िया सिस्टम रहता है। सेपरेट वेस्ट कलेक्शन ऑफ लिक्विड एंड फ्लैट, ये लिक्विड और फ्लैट का सेपरेट सक्शन सिस्टम से आप फिल्टर में जुड़ सकते हो। और इसमें फायदा क्या है, देखो लिक्विड का वेस्ट ज़्यादा गंदा रहता है, फ्लैट वेस्ट अच्छा होता है। अगर फ्लैट वेस्ट आप अलग से कहीं कलेक्ट कर लिया, इसको आप मिक्सिंग में कहीं कोर्स काउंट में यूज कर सकते हो या अच्छा रेट में बेच सकते हो, वो लिक्विड के साथ मिक्सअप नहीं होगा। मैक्सिमम कार्डिंग एरिया 1.5 टाइम्स दैन ओल्ड कार्ड्स, वही बात है, कार्डिंग विड्थ बढ़ गया तो उसी हिसाब से सिलेंडर का फ्लैट का एरिया भी बढ़ गया, तो उसी हिसाब कार्डिंग एरिया बढ़ गया। कार्डिंग एरिया बढ़ जाने से क्या होता है, ओपनिंग बढ़िया होता है, फाइबर बिल्कुल फैल कर रहता है और ओपनिंग बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद देखिए 32 वर्किंग फ्लैट्स एमंग 94 फ्लैट्स, फ्लैट इसमें क्या 94 फ्लैट रहता है, 94 फ्लैट में से 32 फ्लैट, देखिए 32 वर्किंग फ्लैट्स है, 94 का फ्लैट रहता है इसमें। वर्किंग फ्लैट मतलब देखो यहाँ सिलेंडर की साथ पे जो लग के टच होके जाता है यहाँ तक, वो 32 फ्लैट है। बाकी टोटल ये फ्लैट जो है ये टोटल 94 है, 94 से 32 फ्लैट, मतलब ये मान लो 1/3 फ्लैट आप वर्किंग एरिया में रहता है, कार्डिंग एरिया में। सिंपल एडजस्टमेंट ऑफ वेस्ट सेगमेंट 4 स्टेप, मतलब लिक्विड का नीचे जो वेस्ट सेगमेंट रहता है इसको, इतना बढ़िया सिस्टम है आपके, इसमें कोई पाना चाबी लेकर नहीं जाना, खाली स्लॉट है, उसी हिसाब से आप ऊपर नीचे करके 4 स्टेप में, मतलब लो मीडियम और हाई और शार्प, ऐसे करके 4 मीडियम में आप इसको ऊपर करके जितना अमाउंट का आपको वेस्ट निकालनी है उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हो, एक फैसिलिटी है। और वो फुली कम्पैक्ट सो नो एनवायरमेंटल फ्लाई, वो चारों तरफ से पूरा बहुत बढ़िया कवरिंग होता है, इसीलिए इसमें फ्लाई जनरेशन का बिल्कुल नहीं रहता, और फ्लाई कम होने के कारण इसमें एटमॉस्फेयर की फ्लाई नहीं होता, हजारियस नहीं होता, और एनवायरमेंट बढ़िया रहता है, फ्लाई होता नहीं। देखिए C70 कार का टेक्निकल पैरामीटर के बारे में बता रहा हूँ।
ओपनिंग रोलर जो है इसका जो स्पीड है 600 से 1100 तक पकड़ा हुआ, 600 से 1100 इसीलिए पकड़ा हुआ, इसमें सिंथेटिक भी चलाओगी तो कम से कम ओपनिंग रोलर स्पीड रखना पड़ता है, उसी हिसाब से मैंने कम पकड़ा हुआ। और लिक्रन का स्पीड 800 से 1200 तक रहता है, ये कटन में आप 1100 तक तो आराम से चला लोगे, और ओपनिंग रोल का स्पीड कटन में 850 से 1000 तक चला सकते हो। उसके बाद सिलेंडर स्पीड देखो 600 से 900 RPM तक पकड़ा हुआ, अपना कटन में 600, 650, 700 जो भी यहाँ तक चला सकते हो। 900 है मैक्सिमम स्पीड, 900 कोई रखता नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो आप 750, 800 तक भी जा सकते हो। उसके बाद देखो डिलीवरी स्पीड अप टू 250 MPM, डिलीवरी स्पीड इसका 250 MPM तक भी आप चला सकते हो, और रैपिंग पॉइंट 0.42.225 तक आप चला सकते हो। और कॉयलर साइज 600 mm टू 1000 mm का साइज रहता है, इसका mm में आता है, इंच में नहीं आता। कैन साइज देखो 1200 mm का हाइट है, ये कैन का हाइट है, ठीक है। टोटल कार्ड वेस्ट अप टू 5.5% तक आप ट्रास इसमें निकाल सकते हो, वेस्ट निकाल सकते हो। एलआरई अप टू 75% तक आप नेप रिमूवल एफिशिएंसी आप अटेंड कर सकते हो। कार्डिंग क्लीनिंग एफिशिएंसी 95 से 98% तक, और प्रोडक्शन रेट अप टू 120 kg/h तक भी अपन निकाल सकते हैं। और C70 कार्ड का आपको मैंने डिटेल में समझा दिया, ये वाला वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप मेरा चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।